बड़ी तबियत खराब हो गई तो फोन करने कहते अम्मा हमारे बड़ी तबियत खराब होते जा तो खून जाँच करा बुखार ठीक नहीं क्या होते कहनी ठीक बाटे तब खा हम प्रार्थना कर बड़ी राति के रो रो के प्रार्थना कहनी सवेरे फोन कहनी कहते अम्मा हमारे बुखार ठीक बन काम कर जाते जोर से ताली बजाते परमेश्वर की महिमा में एक दवाई हमारे माजी लड़का मैंने पढ़े न ग्यारह एडमिशन फार्म मिला गल ना मिलत रहे तैयो रात के रो रो प्रार्थना कहनी तो मानू फिर दोबारा फार्म मिले नाम लिखा गए हमरे गवाही भाई एक बीमारी से पटना गई से बीमारी रहा पेट में बहुत दर्द होते निमन नहीं होते दवा खात रही निमन नहीं होते तनिम दर्द नरम हो जाए निमन ना हो जब से आवे रही तब से पानी तेल पियावे बीमारी से हमें निमन हो गई है ये गवाही बाटे हमारे पेट में बहुत गैस बन जाते हमारे पेट वही फूल जाए जर ही कहूँ कुछ हो कुछ हो बाकी जब से आ रहा तब से ठीक हो गई और हमारी लड़की को उंगली में घाव हो गया था बिल्कुल उंगली टेढ़ी हो गई थी अब इसलिए थोड़ा तेल लगाया था ठीक हो गया जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें ये कौन करता है यीशु करता है जब आप भी प्रार्थना करेंगे आपकी प्रार्थना भी प्रभु सुनेगा सच्चे हृदय से बहुत हमारे पेट में दर्द रहा दर्द माने जैसे बानी है आप पिछला तरह काल में बहुत दर्द रहे ठीक बानी है लोग पड़ावा जिले के भर्ती थे उसके बावजूद भी इसका कंडीशन ज्यादा खराब होता जा रहा है और माइक नजदीक करो बे और हम उसके बाद से प्रार्थना करने लगी और फास्टर जी के पास फोन की फास्टर जी प्रार्थना किए और मैं उसी समय बोली है प्रभु जी अगर मेरा बाबू ठीक हो जाएगा तो हम कल घर लेकर के चले जाए उसके बाद से ठीक भी हो गया और हम घर लेकर आ गए ठीक हो गया घर लेके आ गए जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें हालेलुया और मुँह से ब्लड आ रहा था हमारे बच्चों को भी नाक और मुँह से ब्लड आ रहा था कितने दिन से तीन महीने से हाँ उसके बाद मैं तेल पानी ले गई और प्रार्थना करके लगाने लगी हम लोग ठीक हो गए ब्लड आना बंद हो गया है जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करे देखिए कितनी बड़ी गवाही है इस बहन का कितनी बड़ी गवाही है नाक मुँह से ब्लड आता था इनके और इनके बच्चों को भी और यहाँ प्रार्थना कराई तेल पानी लेके गई और उसका प्रयोग की आज ब्लड आना बिल्कुल बंद है एक बार और जोर से ताली बजा दे परमेश्वर की महिमा करें हाँ बोलिए बोलिए यीशु मसीह के हाँ हाँ माइक में बोलिए हम सुना था मास्टर जी कहे थे तीन दिन के बाद मोटरसाइकिल किसी को जाएगा हमारा कथा के मोटरसाइकिल हाँ प्रोफेट जी प्रोफेसी किए थे भविष्यवाणी किए थे कि अभी तीन दिन में किसी का बाइक खरीदा जाएगा एक भाई का और उसकी गवाही आएगी देखिए ये भाई गवाही लेके आए क्यों भविष्यवाणी किए उसके तीसरे दिन ही गाड़ी खरीद लिए है बोलिए बोलिए हेलो गाड़ी हम खरीद लिया तीन दिन के बाद पास्टर जी कहे थे वो गाड़ी आ गई है जोर से ताली बजा कर परमेश्वर की तारीफ करें हालेलुया कितना दिन से उतर आठ साल से इनके सर में लग रहा था कि कीड़ा दौड़ रहा है और नशा की गोली डॉक्टर देता था और ये बहन बता रही है जब से यहाँ पे आने लगी इसकी सारी बीमारी ठीक हो गई है बिना दवा के यहाँ के तेल पानी से और प्रार्थना से ठीक हो गई है जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें अच्छा आपकी बच्ची का टाइफाइड बुखार था वो भी ठीक हो गया ताली बजा दे परमेश्वर की महिमा में हालेलुया अगली खबर हमारा पतोई के पेट में बच्चा रहा कहलन प्रभु जी से घर निर्मल हो जाए तो हम गवाही के गवाही देता अच्छा आपके पतोई के डिलीवरी रहा
प्रार्थना कैले रहने जा कि निम्ने निम्ने घर ही छुटकारा हो जाए, बच्चा हो जाए तो हम गवाही दे, तो निम्ने निम्ने हो गए घर ही। जोर से ताली बजा कर परमेश्वर की महिमा करे। कुंवारे पर से बवसीर रहल आपके पति के जी। अच्छा तो ठीक ना होत रहला आपके मन में, परमेश्वर के भवन में जब से आयल तो से बवसीर खत्म हो गए। खत्म हो गए। जोर से ताली बजा दे परमेश्वर की महिमा में। गौरी गवाही बा कि 5-6 दिन में बना दनी बहरा जाए खतरा, तो कौन है कि कहाँ जाए बहरा, कि जाए तब न जाए, कहते ना हम चल जाए तो चल गई, तो कौन टिकट निकल नहीं के कहाँ जाए, कहते हैं जा तीन गोरखपुर टिकट निकाल ले, 2-3 आदमी रहे बिना टिकट के चल गई बाहर। तो फोन कहनी कि टिकट में चल कहनी कौन बात ना हम कह दी परमेश्वर बानी, तो चल गई तो कहनी कि जा पहले से गवाई दे दिया, चल गई कोनो में कैथी नहीं थे आ तनको अच्छा ना लगी, जब जाए बाहर तनको अच्छा ना लगी, कहती मन करी घर भाग जाए खाली घर आए घर कहाँ है बहन आपका? घर का धर्मपुर चौरिया। अच्छा बाबा सिर 4 साल से था और दवा से नहीं ठीक हो रहा था, यहाँ पे आई प्रार्थना कराई तेल पानी का प्रयोग की तो ठीक हो गया। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की तारीफ करें। हालेलुया हालेलुया। देखिए कितनी बड़ी गवाही है। यस हालेलुया। 4 साल से बवासीर था और परमेश्वर ने इन्हें आजाद किया है। थैंक यू जीसस हालेलुया। सबको जय मसीह की। हमर पति गिरल यानी सीढ़ी पर से बहुत जोर घाव लगल, बहुत ब्लड गिरल, कहे हम जीने नहीं बाकी अब ले गनी दवाई करावनी होश नहीं हो, तो 3 बजे होश भाई तो जाके हम प्रार्थना खूब पानी थी, जब बहुत दवाई करी तब ठीक हो गए। होश में ना होते रहो ना प्रार्थना के लिए मैंने होश में आ गए। हालेलुया हालेलुया। ताली बजा कर परमेश्वर का तारीफ करें। सबको जय मसीह। हमारे एक दिन बहुत पेट जोड़े लागल, उल्टी होके लागल, इतनी पेटे में दर्द रहे कि हमारे बैठ नहीं जा, हम कहनी हे प्रभु जी हम आपके भवन में जानी, हमारे पेटे में का दर्द ठीक हो जाए तो हम आपके भवन में जाके गवाही दे। एक और गवाही हम कहने लगे कि हे प्रभु जी चर्च लागे लगी आप। अरे ये गवाही बा नलका चला लो नी गिर गो नी और बाई मुचुक गए और पापा तेल पानी पटना को के लगा देना और बाई नीमन हो गए। परमेश्वर आपका आशीष दे। हालेलुया। ताली बजाकर तारीफ करें परमेश्वर का। लड़की 4 साल का गाड़ी सीढ़ी पर से गिर गई, उनके कपार बड्डा को फूल गई, जब तेल पानी लगा दानी कोनी ये सूजी है बिहाने उठी तो पहुँचल देखी, तो बिहाने उठी तो पहुँचल। हालेलुया परमेश्वर के तारीफ करें। जोरदार ताली बजा कर। हालेलुया। हमार गवाही है बात कि हमार बाबू 12 बजे हमारे तबियत खराब हो गई, जर बोकर तो कह नहीं हम नहीं आ कहाँ से दवाई लें, तुम कहानी प्रभु जी का तेल पानी देले बनी हुआ लगावा ठीक हो जाए, तो लगाना तो ठीक हो गए ना, गुड़ पटल लगो मना लगाना तो ठीक हो गए, हमारे पेटी के मैंने पेट में दर्द रहे तो वो ठीक हो गए, मैंने 3-4 गो मैंने दवाई हम पूरा मैंने कहानी प्रभु जी का ठीक हो गए। परमेश्वर के तारीफ करे। जोरदार ताली बजाए। हालेलुया। जोर से ताली बजाए। ताली जोर से नहीं बज रहा है। हालेलुया। पैखाना बंद रहे तो पास्टर जी के लगा गई दिया छियो तो बन अटबन तो। हालेलुया। ये बहन का बड़ा गवाही है लेकिन बोल नहीं पा रही है। हालेलुया हालेलुया। ये इसके पेट में प्रॉब्लम था, बहुत परेशान थी, लेकिन जब पास्टर जी के पास आई घर पे, हालेलुया, और जब प्रार्थना किए तो इनका जो भी पेट का प्रॉब्लम था ही बताई। हालेलुया। तो परमेश्वर मेरा बड़ा बड़ा काम करता है। हालेलुया। जोर से ताली बजाए। परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया। पेट में गांठ रहा दवाई चला तो नहीं गलत रहा। पेट में गांठ रहा, कितना दिन से रहा बहन? ज्यादा दिन से रहा है। अच्छा ना खड्डा के कहा से बनी सराना
अच्छा, तो गांठ ठीक हो गई? हाँ, गल गई। कैसे ठीक हो गई? तेल पानी पियनी और प्रार्थना का प्रभु यीशु के नाम से, प्रार्थना से और तेल पानी लगौले से यहाँ के गांठ ठीक हो गए। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर के तारीफ के लिए जोरदार ताली हो जाए। हालेलुया, मेरा परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह डॉक्टर का डॉक्टर और वैद्यों का वैद्य है। हालेलुया, सबको जय मसीह की, पास्टर जी की जय मसीह। हमारी ये गवाही बा, माली साहब के बड़ी पेट में दर्द रहा है तो गयनी अल्ट्रासाउंड करा। हम कहने ये प्रभु जी निम्न निम्र कुछ ना नहीं करी, हम चल कर रहा कॉलेजियम गवाही दी, एकदम नॉर्मल रिपोर्ट आई, कुछ ना नहीं करा, नॉर्मल रिपोर्ट आई। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, प्रभु जी के लहू लगा देने एकदम बिल्कुल ठीक हो। हालेलुया, हालेलुया। मैं कई बार दवाई कराया, ठीक होता था फिर हो जाता था, ठीक होता था फिर हो जाता। तो मैं यहीं का तेल और पानी पिए और लगाए, इससे मुझे आराम हो गया, ठीक हो गया है, ठीक हो गया। एक लड़का है मेरा 13-14 साल का है, एक दिन वो खेल रहा था, गेना खेल रहा था, वो खेलते खेलते बाएं तरफ का पैरवा नहीं उठ रहा था। फिर मैं बोला के लिए चलो दवाई करें, हमने कहा नहीं है दवाई मेरे पास, तो मैं उनको ले गया, तेल पानी लगाया और पिलाया, उसी से वो ठीक हो, तेल पानी लगा दिया, ठीक हो गया पैर उसका। हाँ, ताली बजाकर परमेश्वर का तारीफ करें, महिमा करें। हालेलुया, हालेलुया। तेल पानी पियानी लगानी तो निमन हो गए। हालेलुया, धन्यवाद यीशु, हालेलुया, परमेश्वर के धन्यवाद। अच्छा, मेडिकल कराओ गए नहीं आपके पति विदेश जाए खाती, तो प्रार्थना भइल कि मेडिकल सही सही हो जाए, बिल्कुल सही हो जाए, कोई दिक्कत ना निकली तो गवाही दे, एक के गवाही देता नहीं। और माइक नजदीक करके बोलो, देह सूज जात रहला, फूल जात रहला, जब से एजा से एलू प्रार्थना भइल तब से देह सूजल बंद हो गए, ठीक हो गई बा। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, गटई में पूरा नस्त आंदत रहला, दवाई करा तनी ना ठीक होतला, जब से जाल हम तब से दवा ना खाने ठीक होते, गला कन के नस्त आंदत रहला, दवाई से ठीक ना होत रहला, एजा एनी एजा के तेल पानी लगौनी तब से ठीक बा। ताली बजाकर तारीफ करें परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सबको जय मसीह की, भैया दीदी लोनी को सबको जय मसीह की, पास्टर जी को जय मसीह की। हमारे यही के गवाही बा कि कलेसिया टूट गया बीच में, तो हम रात दिवाते में हम कानी वही में चली कि रौरा कुहे के धेय पर चली कि वह दारू छोड़ा देवी, तो हमार ननद एमे आवे लगनी, मसही के हमार ननद यहीं एमे आवे लगनी, 3-4 महीना के दिन हो गए, मनम दो ही दारू भी छोड़ दल बने। हालेलुया, बहुत बड़ी गवाही है ये, बहुत बड़ी गवाही है। देखिए उनका नशा छूटा कि नहीं, कितने लोग गवाही को सुने हैं, और जिनके घर में जो लोग नशा करते हैं उनके लिए आप लोग दुआ करेंगे, प्रार्थना करेंगे, उनके नाम से यहाँ से प्रार्थना कराएंगे, उनका भी नशा छूट जाएगा। सब बोले आप ताली बजाकर परमेश्वर की महिमा करें। हालेलुया, लाइन लंबी है, मुख्य मुख्य बातें बताएं। पति का हमारा बहुत तबीयत खराब था, मतलब तबाह हो गई, 25-20 साल से हम तबाह हुई दवा कराने से, हर महीने में 1500-1800 का दवा ला रही है। जब से ही मैं यहाँ पर आई हूँ तब से हम ठीक है, कमर से लेकर ठेहुन तक। कितने दिन से है, कितने दिन से बीमार थे बहन वो? वरना लग रहा है कि उनका पड़ गया है, पच्चीस साल से बीमार है और दवा से ठीक नहीं होते हैं। ठीक हो रहे
गए थे लेकिन बीच में इस बार जो तबीयत खराब है उसके बाद नहीं ठीक हो पाए, तब जब हम यहाँ आने लगे राहत होगा। यहाँ आ रहे हैं तब से आराम है, आराम है, तब से काफी आराम है। जोर से ताली बजाकर परमेश्वर का तारीफ करें और आज से वो और भी आराम मिलने लगेगा। उनके साथ साथ हम भी ठीक हैं, आप भी ठीक हैं। परमेश्वर का धन्यवाद।